तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में 16 स्टंट तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 180 रन है, तो इस स्टंट में 3 180 का सोलर लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो मेरे पास 2 180 का सोलर पैनल है, तो वो 2 लगाने के बाद मेरे पास और एक छोटा सा 50 वाट का सोलर पैनल है, वही सोलर पैनल हम एक नीचे में हम लोग लगाएंगे। तो इस वीडियो में इस 50 वाट का जो सोलर पैनल है वो कैसे सेट करना है वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इस 50 वाट का जो सोलर स्टैंड है वो तैयार करने के टाइम एक प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा, तो उस प्रॉब्लम कैसे मैंने सॉल्व किया है वही हम लोग लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस स्टैंड तैयार करने के टाइम। तो मेरे पास बहुत सारा लकड़ी है, तो इससे मैंने एक ऐसा ही एक फ्रेम तैयार किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात, ये जो आपको जो फ्रेम होगा तो वो GI का ही होना चाहिए, नॉर्मल आयरन होगा तो वो 1-2 साल में ख़राब हो जाएगा, फिर से कलर करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, GI का होगा तो ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम अच्छी तरह से चलेगा। तो इस लकड़ी का स्टैंड लेकर हम लोग दुकान में गए हैं, दुकान में जाकर ठीक ऐसा ही एक GI का स्टैंड तैयार किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा एक GI का स्टैंड मैंने तैयार करके ले आया है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये सोलर प्लेनेट होगा उस सोलर प्लेनेट का जो नट बोल्ट होगा तो उस नट बोल्ट वहाँ पर ड्रिल नहीं हुआ है, तो फिर से मेरे को जाना पड़ा वहाँ पर जाकर फिर से ड्रिल करके ले आना पड़ा। तो आपको क्या करना है, आपको जब ये ऐसे ही एक फ्रेम तैयार करना है तो आप इस सोलर प्लेट को ले जाइए, सोलर प्लेट को ले जाइए और वहाँ पर जाकर कहाँ पर डील करना है वो आप मार्क कर दीजिए, वहाँ पर ही आप डील करके आप ले आइए, तो मेरे जैसा आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इस 50 वाट का सोलर पैनल कैसे कनेक्शन करेंगे और कहाँ पर कनेक्शन करेंगे, क्या क्या होगा, वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।